हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता इज हियर। आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट ऑनलाइन एसे कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मोनो मौसमी इज प्रेजेंटिंग अ न्यू ऑनलाइन इंटरनेशनल एसे राइटिंग कंपटीशन 2021 विद सुपर्ब प्राइजेस इन विच यू कैन पार्टिसिपेट फ्रीली, नो एंट्री फी नीडेड। हर पॉइंट के रिगार्डिंग यहाँ पर ब्रीफली डिस्कशन होगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। द एसेज विल बी grouped as first, second, third, editor's choice, essay, outstanding, praiseworthy, and not worth mentioning according to the marks given by the judges to each of the essays. Only selected essays among these will be published in the website and respective links will be conveyed to the participants through mail. Note, there are only 3 physical prizes in the form of trophies, Italy, travel box and 4 books sponsored by Ink Your Thought. ये 3 यहाँ पर physical prizes हैं. Apart, 3 junior category winners will receive voucher for free complete robotic coding course offered by this website. All other eligible participants will get a certificate of participation as a token of appreciation, and they will also get 50% discount if they wish to buy any of Mono Mousami's published book or Mono Mousami's customized pen shown in the link. Selling is not business. Please do not make an impression that we are here to sell and making income from the participants. Certificate can be used by students as an accolade under extracurricular activity. अब जानते हैं अदर रिवॉर्ड्स के बारे में। अ फ्यू सेलेक्टेड आर्टिकल्स विल बी इंक्लूडेड इन द डिजिटल मैगजीन बीबर्स एंड अपकमिंग बुक्स। बाकी सारा प्रोसेस यहाँ पर मेंशनड है। अब मेन चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। दोज पार्टिसिपेंट्स हूज आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन दिस वेबसाइट विल हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी टू विन फिजिकल प्राइजेज लाइक कैश ऑब्लिक पर्सनल पेन ऑब्लिक मेडल ऑब्लिक बुक ETC। अब जानते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में ओपनली। कैश प्राइज 1,000 रुपीज इफ द एक्चुअल यूनिक विजिट्स आर अबव 10,000 visits. Cash prize 500 rupees if the actual visits are between 5,000 to 10,000. Personalized pen / medal / book / novel costing about 300 to 400 rupees. Any of these prize as per the winner's choice whose article has visits between 2,000 to 5,000. The representative images of the pen, book / novel are shown in this link. There will not be any result announcement separately. कोई भी result announcement separately नहीं होगा. The participants can mail that they have received an excellent review from the readers / viewers after 3 months of publishing the essay. After examining from other side, the eligible participants will be rewarded above mentioned prizes. Participants can narrate their essay narration and send video / audio / presentation, and they can win the Star Presenter Award. Regarding guidelines of this competition, is competition ki regarding guidelines. दिशा निर्देश। लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश / हिंदी / बंगाली। एसे की लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी या फिर बंगाली होनी चाहिए। नेशनैलिटी एनी 2 कैटेगरीज, 2 जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी। बिलो 14 ईयर्स ओल्ड जूनियर कैटेगरी DOB इज मस्ट, अबव 14 ईयर्स ओल्ड सीनियर कैटेगरी। वैसे तो इस कंपटीशन में कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, लेकिन फिर भी ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन जूनियर कैटेगरी, डैट्स मीन
बिलो 14 ईयर्स और दूसरी एज कैटेगरी है सीनियर कैटेगरी, डेट्स मीन अबव 14 ईयर्स। रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, नो फीस इज रिक्वायर्ड। हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। हाउ टू सबमिट, सबमिट योर एसे ऑनलाइन थ्रू दिस लिंक, इस लिंक के थ्रू अपने एसेज को ऑनलाइन सबमिट आप सबको करना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन की इम्पॉर्टेंट डेट्स। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 25 मई 2021। सबमिशन की अंतिम तिथि है 25 मई 2021। रिजल्ट अनाउंसमेंट 1 वीक ऑफ जून 2021। रिजल्ट अनाउंसमेंट थ्रू दिस लिंक, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन का टॉपिक विषय कि आपको किस टॉपिक पर एसे राइट करना है। द एसे टॉपिक फॉर दिस मंथ इज, ये है इसका टॉपिक, वन स्पेशल डे ऑफ लिक्विडेट विच वी सेलिब्रेट। कोई भी स्पेशल डे यानी डेट, जैसे कि अर्थ डे हो गया, बुक डे हो गया, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, फ्रेंडशिप डे हो गया, ये सब जो स्पेशल डेज होते हैं उनमें से एक डे पर आपको एसे राइट करना है। और इन सारी गाइडलाइंस को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। योर एसे विल बी जज्ड मेनली ऑन द इम्प्रोवाइजेशन यू डू फॉर दिस कॉमन टॉपिक। Avoid writing very general topics such as Independence Day, Republic Day, etc. In general topics जैसे कि स्वतंत्रता दिवस और Republic Day, गांधी जयंती, इन सब dates पर नहीं writing करना है आपको। Now judgment criteria of this competition. All essays will be judged on the basis of logic, survey, writing style, innovation, structure, etc. पार्टिसिपेंट्स मस्ट राइट पॉइंट वाइज विद प्रॉपर लॉजिक। इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन के रिगार्डिंग रूल्स। द एसे शुड बी मिनिमम 750 वर्ड्स फॉर सीनियर कैटेगरी एंड 500 वर्ड्स फॉर जूनियर कैटेगरी। मिनिमम वर्ड लिमिट एसे की है सीनियर कैटेगरी में 750 शब्द और जूनियर कैटेगरी में 500 शब्द। देयर इज नो मैक्सिमम वर्ड काउंट, वर्ड लिमिट मैक्सिमम में कुछ भी नहीं है। द सबमिटेड एसे शुड बी प्लेगरिज्म फ्री। बाकी आप इन सभी रूल्स को पूरा खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर इस वीडियो में सारे बताए जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि नेम, एज, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल और ऑप्शनल है फ़ोटो, कि आप अपनी एंट्री में राइट करें बिगनिंग में बिफोर आप एसे को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन सिर्फ ईमेल के थ्रू ही अवेलेबल है। कंसीडरिंग लार्ज नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन योर कॉल्स कैन नॉट बी टेकन रिगार्डिंग योर क्वेरीज रिलेटेड टू एसे सबमिशन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज रीड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आंसर्स ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय क्लिकिंग हेयर। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको ज़रूर चेक करें, चाहे आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में भी आ जाए तब भी। If still any doubt exists, please feel free to contact us only through email at this email ID. And last one, I would like to say that कि ये बहुत unique initiative है और ऐसे rare competitions बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो as usual इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। टिल देन ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।